रुझानों का आने के बाद बीजेपी कार्यालय में इस समय से जश्न का माहौल है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, सीधे इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और नतीजे आपके पक्ष में आते हुए दिख रहे हैं, प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कह रहे थे कि गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित होगा, प्रियंका गांधी यहां कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की बदौलत और आदरणीय अमित शाह जी के कुशल प्रबंधन की बदौलत ये जीत हासिल हुई है। हम उत्तर प्रदेश के और देश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से विकास के कार्य शुरू किए थे वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे, गरीबों को उनका हक हुकूक मिल सकेगा। सर, पिछले दिनों हमने देखा कि ईवीएम को लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष की तरफ से, जो जब जीतते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है, जब 3 राज्यों में जीते थे तब ईवीएम अच्छी थी, आज जब हम जीत गए हैं तो ईवीएम इनको बुरी लग रही है। सर, आज जो 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 नतीजे आ रहे हैं पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतर रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप लोग लगभग क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कुशल प्रबंधन है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उन पे जो है जनता ने विश्वास जताया, और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि विपक्षी पार्टियां जो ईवीएम का आरोप लगा रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मातम सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ।